हेलो दोस्तों, हिंग्लिश फैक्ट्स में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या डॉग्स का हर मौसम में या फिर हर समय बाहर रहना सही है। तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब है नहीं। डॉग्स का हर वक्त बाहर रहना ठीक नहीं होता, क्योंकि शेल्टर से बाहर डॉग्स को जहरीले प्लांट, टॉक्सिक मटीरियल्स, शार्प चीज़ें, डेडली पेस्टिसाइड्स और चिड़चिड़े लोग जो अपना गुस्सा डॉग्स पर निकालते हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ों से खतरा होता है। और ऐसा नहीं है कि अगर एक डॉग एक शेल्टर में रह रहा है तो वो इन खतरों से सेफ है। उस शेल्टर में भी खतरे हो सकते हैं, जैसे कि ततैया या वेस्प, भूखे कयोटीस और जहरीले सांप, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो उन्हें शेल्टर में भी तंग कर सकती है। लेकिन इन सारी चीज़ों से भी खतरनाक है वेदर। डॉग्स ज़्यादा गर्मी में हीट स्ट्रोक के शिकार बन सकते हैं और ज़्यादा ठंड में फ्रीज हो सकते हैं, बिल्कुल हम इंसानों की तरह। हर डॉग ये चीज़ सफ़र करेगा, लेकिन शॉर्ट कोट वाले डॉग ब्रीड्स जैसे लैब्राडोर रिट्रीवर्स, वाइमराners, बीगल्स और ग्रेहाउंड्स, इनके अलावा पपीस और ओल्ड डॉग्स या फिर बीमार डॉग्स ज़्यादा प्रॉन होते हैं हाइपोथर्मिया के। हाइपोथर्मिया एक जानलेवा कंडीशन होती है जब बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल से काफ़ी कम हो जाता है। अगर डॉग इसी कंडीशन में रहता है तो वो कॉमा में जा सकता है या उसकी डेथ भी हो सकती है। गर्म क्लाइमेट और मुश्किलें लाता है डॉग्स के लिए, लेकिन ज़्यादा मुश्किल होती है छोटे नाक वाले डॉग ब्रीड्स को, जैसे शीटजू, बुलडॉग्स, बॉक्सर और पग्स। ये डॉग ब्रीड ज़्यादा प्रॉन होती है हीट स्ट्रोक्स के, क्योंकि ये डॉग एक्सेसिव हीट को कम नहीं कर पाते एक्सेसिव ब्रीदिंग या पांटिंग से, या फिर जिसे हम हाफना कहते हैं। हीट स्ट्रोक्स के साइन है हैवी पांटिंग, ड्रूलिंग और जबड़ों का डार्क रेड होना। जनरली बात करें तो मोस्टली एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आप अपने डॉग को इंडोर ही रखें और कभी अपने डॉग को बाहर अनअटेंडेड ना छोड़े लंबे समय के लिए। और जब भी टेम्परेचर ज़्यादा हाई या ज़्यादा लो हो, तब आप अपने डॉग को बाहर ना जाने दें एंड उसे इंडोर ही रखें। ज़्यादातर हेल्दी डॉग्स हीट को टॉलरेट कर सकते हैं जब तक उन्हें छाई मिलती रहे, बट कुछ लॉन्ग हेयर डॉग ब्रीड जैसे हस्कीस और चाउस ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं गर्मी के। अगर इन्हें अच्छी एयर कंडीशनिंग ना मिले तो इनकी डेथ भी हो सकती है गर्मी की वजह से। और कुछ डॉग्स ऐसे भी होते हैं जो ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं टेम्परेचर के बाकियों से जो उसी की ब्रीड के हैं। लेकिन अगर आप अपने डॉग को तब भी बाहर छोड़ना चाहते हैं थोड़े ज़्यादा समय के लिए, तो कुछ बातों का ध्यान रखें। गर्म मौसम में डॉग्स को शेडी एरिया चाहिए होता है पूरे डे के लिए, चाहे सूरज ढल क्यों ना गया हो। उसके साथ डॉग्स को पानी भी भरपूर मात्रा में चाहिए होता है। ठंडे मौसम में आप अपने डॉग को ठंडी हवा से बचाएं। आप डॉग हाउस की छत इंसुलेटेड थिंग्स जैसे प्लास्टिक से बना सकते हैं और पूरे डॉग हाउस को वाटरप्रूफ ज़रूर बनाएं। और उसमें आप एक बेड बना सकते हैं जिससे कि डॉग को गर्मी मिलती रहे। डॉग्स को ठंडियों में भी भरपूर मात्रा में पानी चाहिए होता है, तो आप ध्यान रखें कि उन्हें नॉर्मल या थोड़ा गर्म पानी पिलाएं। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना ना भूलें, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल की कोई वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।